बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड सेवइयां। इसके लिए हमें चाहिए बटर, ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू पिस्ता बादाम ऐड किया हुआ है, ये गार्निशिंग के लिए। 3 टेबलस्पून कस्टर्ड है, कोई भी फ्लेवर यूज कर लीजिएगा। शुगर, चीनी 1 कप, सेवइयां और 1 kg मिल्क। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। पैन में मैं बटर ऐड कर रही हूं। बटर को हम मेल्ट होने देंगे। अब मैं इसमें सेवइयां ऐड कर रही हूं। इसको इसमें थोड़ी देर फ्राई होने देंगे, लाइट ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। लाइट ब्राउन हो गई है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं कस्टर्ड में थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी। मिल्क ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मैं दूध को बॉईल करूंगी। एक किलो दूध है ये, 1 kg लिया था। दूध बॉईल हो गया, अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूं, चीनी 1 कप। चीनी ऐड करके इसको अच्छे से हिलाना है। अब मैं इसमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूं। शुगर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें सेवइयां ऐड कर रही हूं, फ्राई की हुई, बटर में फ्राई की थी, मक्खन में। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर रही हूं। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसे हिलाते जाना है, वक्फे वक्फे से, ताकि ये नीचे से लगे ना। अब इसे हम 5 मिनट पकने देंगे। जब ये डार्क हो जाएगा
ये हमारी कस्टर्ड सेवइयां रेडी हो गई हैं। अब मैं इसे बाउल में निकालूंगी। कस्टर्ड सेवइयां बिल्कुल रेडी हैं, बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसी बनी है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मजीद न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।